मूल श्लोकेर अर्थ सुनम पढ़िए प्रकाश राधा प्रणामी मां कृष्णवाणीया सद्यो जना अद्भुत मधुरिमा कृष्णवा मदीय तद्भावड्ड समजन सचिव गर्व सिंधु हरिंदु सब सिद्धांत गुड़ कहते ना जुआए ना कहले केह यार अंत नहीं पाए अतएव कहि किछु करिया बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूल हृदय धरे जे चैतन्य नित्यानंद सब सिद्धांत से पाइबे आनंद सब सिद्धांत है आम्रेर पल्लव भक्तगण कोकिले सर्वदा बल्लभ अभक्त उष्टे थे नहाई प्रभु अभिचित्त है मोर आनंद विशेष जे लागी कहते भय से जदि ना जाने यहा बई कि सुख आचे त्रिभुवने भक्त ते भक्तगणे करी नमस्कार निसंके करी आर भूक चमत्कार कृष्णेर विचारे आछे अंतरे पूर्णानंद रस स्वरूप सभी कहे मोरे আমা হইতে আনন্দিত হইত্রিভ আমাকে আনন্দ দিবে ওইছে কোন জন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রাধে কি সর্বোত্তম মহিমা কো বর্ণন কর রহে হ্যাঁ শ্রীমতী রাধিকা কুন্ড কে বারে মে কাল বলি পা থা यथा राधा प्रियं विष्णुर्तस्य कुंड प्रियं तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा अर्थात श्रीमती राधिका जिस प्रकार कृष्ण के अत्यंत प्रिय है राधा कुंड भी तद्रूप प्रिय स्थान और समस्त गोपियों में राधा ही कृष्ण के जो है अत्यंत वल्लभा प्रिय का कल राधा कुंड के बारे में मैंने कहा था कि राधा कुंड साक्षात राधा जी कृष्ण प्रेम की द्रवीभूत अवस्था कहा गया। कृष्ण प्रेम में द्रवीभूत होकर के वास्तव रूप में ये कुंड के रूप में प्रकाशित है, किंतु साधारण लोगों के लिए ये कुंड जो लीला के साथ संबंध है अरिष्टासुर वध प्रसंग और वृषभासुर वध प्रसंग आ जाता है तो कृष्ण इसलिए कहते हैं त्रैलोक्य पृथ्वी धन्ना जत्र वृंदावनम पुरी तथापि गोपिका पार्थ जत्र राधा अभिधा मम त्रैलोक्य पृथ्वी धन्ना त्रिभुवन में पृथ्वी देवी धन्ना क्यों यहाँ पर वृंदावन धाम और उस वृंदावन धाम की विशेष वैशिष्ट जहाँ पर श्रीमती राधिका नामनी गोपी वर्तमान है राधा परम स्वयं भगवान इस कथा अर्जुन की सुनाया आदि पुराण वचन राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धि कारण अति गोपीगण सब प्रसुप कर कृष्ण जो रस आस्वादन करते हैं ये गोपियों के साथ प्रेम विहार राधा के द्वारा इसका राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धि कारण क्योंकि राधा के साथ राधा जी के साथ प्रेम आदि के द्वारा रस माधुर्य बढ़ते हैं और जितने गोपियों के हैं रस के उपकरण बताया गया उपकरण के सब्सिडिटी सहायक आज
अर्थात राधा कृष्ण की प्रेम मिलन में जो प्रेम की माधुर्यता जो प्रकाशित होते हैं गोपियों की सहायता के साथ। जिस प्रकार राधा कृष्ण दोनों जब बिछोड़ जाते हैं विरह दोनों की, फिर मिलाने के लिए ये समस्त सखियां गोपियां सहायता करती हैं। जैसे वृंदा आदि कृष्ण पक्ष गोपी वृंदा द्वितीय का है, द्वितीय माने मैसेंजर खबर लेकर के इधर उधर समाचार इनके समाचार क्या है, उनके समाचार क्या है, दोनों की समाचार लेकर के एक दूसरे के देते गोपियों की यही काम है। जैसे दोनों कैसे पुनः मिलित हो, क्योंकि प्रेम की स्वाभाविक धर्म होता है बामता, प्रेम होने से बामता भाव प्रकाशित होता है, लेफ्ट विंग्स मूड आ जाता है। प्रेम के बाद होता है स्नेह, स्नेह के बाद मान हो जाता है, ये मानिक बामता का लेफ्ट विंग्स मूड हो जाता है। तो लेफ्ट विंग्स मूड यानी बामता होने के एक दूसरे बिछोड़ जाते हैं, फिर एक दूसरे से कैसे मिलित हो उसके लिए ये समस्त सखियां जो है व्यवस्था करती है, एक दूसरे समाचार ले आते हैं उसके बता देते, कभी झूठ बोल देते हैं कभी ठीक बोलते थे मिलाने के लिए। अच्छे ये सखियों की काम है राधा गोविंद की पुनः मिलन, प्रेम राज्यों में दो वस्तु होता है, एक मिलन और एक विरह विच्छेद। ये विच्छेद जो है यानी बिछोड़ना, ये मिलन की क्या करते हैं और भी नवयान नव नवयान रूप में आस्वादन कराते हैं। उस वस्तु से हम जब दूर हो जाते हैं उस वस्तु की प्राप्ति करने के लिए प्रबल उत्कंठा जगते हैं। जिस वस्तु अति सहज रूप में लभ्य होता है प्राप्त होता है उस वस्तु के प्रति हम इतने आदर नहीं करते करते हैं। अच्छा देखो पानी है, पानी बिना हम जी नहीं सकते, गुरुदेव धाम जी ने गर्मी के समय जेठ महीने पानी नहीं आ रहा है तो क्या करो, तड़पते रहो, जहाँ पर पानी है उसमें लंबी लाइन लग जाता है, लोगों में लड़ाई झगड़ा भी होता है एक बूंद पानी। और हमारे जब बरसात में जब अधिक पानी आ जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, नष्ट भी कर देते हैं, अपचय करते हैं, अपचय समझे ज़्यादा मिल जाते हैं। और गर्मी के समय एक एक बूंद पानी को हम कैसे संरक्षण करते कहीं नीचे ना गिर जाए, थोड़ी सी पानी लेके थोड़ी सी हाथ धो देते एक एक बूंद, क्यों पानी के अभाव के लिए, वस्तु की अभाव होने के नाते उस वस्तु की प्रति अधिक हमें क्या होता है आग्रह जगता है। और वस्तु जब अति सहज सुलभ हो जाता है उसके प्रति हम इतने ध्यान नहीं दे आदर नहीं, टैप खोल दिया पानी जा रहे जा रहे जाने, टंकी भर गया भरने, किंतु जब वस्तु की अभाव तब वस्तु की हम आदर कैसे करें, उसके लिए जान देने के लिए तैयार है, अपने प्राण देने के लिए तैयार है। गुरुदेव दूसरी उदाहरण दे, जैसे पानी मिला बाजार में, मानो थोड़ी सी पानी एक बोतल पानी आज सब बताओ सब लेने के लिए तैयार, और सब पानी को जो बेचने वाला कहते चलो 500 रुपया बोले हम ले, 1000 रुपया हम ले, तब
लाखों रुपया देने के लिए आप तैयार है, क्यों? पानी आपकी जरूरत है, पानी बिना आप जी नहीं सकते, गला फट जाए। इसलिए जितना भी पैसा हो उसके दे करके पानी को दे, क्योंकि वस्तु अभाव होने के नाते बहुत वस्तु की प्राप्ति और उसके मूल्य अधिक हो जाता है। डिमांड एंड सप्लाई ऊपर निर्भर करता है, डिमांड कितना है, चाहिदा कितना है और सप्लाई कितना है, उसकी क्रॉस करते प्राइस होता है। तो उसी प्रकार प्रेम राज्य में यह विरह क्या करते हैं, मिलने के लिए उत्कंठ बढ़ा देते हैं। न बिना विप्रलम्बे न सम्मुख पुष्टि न सुनते यथा कसाई तो रंजित वस्त्र। ये विप्रलम्ब और विरह मिलन की परिपूरक माना जाता है, सबसे बेटर। न बिना विप्रलम्बे न, विरह जितना ही होगा मिलन की उत्कंठा उतने ही बढ़ते जाए, उसके प्राप्ति कैसे मिले, गोविंद कहाँ मिले, कहाँ जाए। जैसे महाप्रभु करे कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कही वो दुख के माने के जाने मोर दुख ब्रजेंद्र नंदन बिना कठिन। महाप्रभु करे कहाँ जाऊँ, कृष्ण मुझे कहाँ मिले, चैतन्य महाप्रभु अपने को राधा भाव में विवाहित होकर के विरह दशा में रोज स्वरूप दामोदर राय में कहने लगे, स्वरूप राय में तो बताओ कृष्ण कहाँ है, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, मेरा प्राणनाथ मुरली वदन कृष्ण कहाँ है, उनके दर्शन देव हे दई तये भुवन एक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुण एक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु भवितास्मि भूर दिशोर। विरह दशा में गोविंद की प्रति इतने प्रगाढ़ प्रेम प्रीति प्राप्त के लिए कैसे कैसे हृदय हृदय से भाव उत्पन्न कर, हे देव हे दैत हे कृष्ण आप तो देव हो, मैंने सबके हृदय में पीड़ा करने वाले हो, पीड़ा से हे देव हे दैत आप तो अत्यंत प्रिय हो सबके, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु आप तो भुवन में पृथ्वी सबके ही मित्र हो, भुवनैक बंधु क्या हमें आप दर्शन नहीं दो, सबके मित्र हो तो हमारी तो मित्र है, हे कृष्ण हे देव हे देव हे द्वैत भुवनी कवंधु, हे कृष्ण आपके नाम ऐसे सुंदर मधुर है जो सबके चित्त को आप क्या करते हो आकर्षित कर, आकर्षक भूवाचक शब्द को नष्ट निवृत्तिवाचक प्रेम बदल समस्त जीवों की आकर्षित करके और प्रेम प्रदान करते हो, अपने रूप महाधुर जी लीला महाधुर जी बेनु महाधुर जी आए प्रेम महाधुर जी के द्वारा सभी लोग क्यों आप आकर्षित करते हो, कभी बेनु ध्वनि के द्वारा आप आकर्षित करते हो, कभी ऐसे सुंदर रूप ऐसे प्रकाश करते हो जे रूप को देख करके सभी आकर्षित हो जाते हैं, जे रूपे एक कौन दुवाई त्रिभुवन, बोले कृष्ण की अंग की ऐसे सुंदर जो माधुर्य सामान्य एक कण छोड़ी इतने सुंदर ये विश्व ब्रह्मांड अनंत को विश्व ब्रह्मांड के रूप की तरह राग दिया जाए और कृष्ण के अंग की एक कण एक तरह राग दिया जाए तथापि बराबर नहीं, इस तरह ये रूपे एक कण दुवाई त्रिभुवन, गोविंद के इतने सुंदर रूप माधुरी माँ क्या वर्णन करे, सब आकर्षित हो जाए। कास्त्रंग ते ही कल पादम तो वेग गोद्रिजा ध्रुव आजरण पुलकान विभ्रमम सुखदेश गोस्वामी पाद की कार्य श्रीमद् भागवत
केवल स्त्रियां कृष्ण के रूप माधुर्य आदि देखकर के आकर्षित हो जाते, ये बात नहीं है। पशु पक्षी वृक्ष लता सावर जंगम चल अचल सभी गोविंद की मधुरिमा देख करके बस सुन करके क्या हो जाते, आकर्षित हो जाते। एक बेनिफिट में दिखा रहे नदी क्या है, जड़ है जल, किंतु गोविंद के वेणु ध्वनि सुन करके क्या हो जाता, देखो अपने धर्म की विपरीत कर देते है। जल स्थिर हो जाता है, नद्दस्तता तदुपधार्य मुकुंद गीतम। सुखदेव गोस्वामी पार करे महाराजपुर की, चेतन की तो ठीक है, चेतन में तो ज्ञान है, किंतु जड़ में देखो नदी आदि मानसी गंगा जमुना आदि नदी, जमुना के वृंदावन की प्रसिद्ध नदी आदि के देखो, सरोवर आदि के देखो, ये गोविंद के वेणुध्वनि सुनकर के क्या होता है, स्तब स्थिर हो जाता है। नद्दस्तता तदुपधार्य मुकुंद गीतम, ऊपर से नदी की ऊपर से जल तो नीचे प्रवाहित होती है, नीचे की तरफ आ रहे, किंतु जल आगे नहीं जा, नहीं जाने से वो भमर बढ़ जाता है। बोले क्यों, बोले देखो नदियां की जल ऐसे सुनने लगे, गोविंद की छोड़कर के कहां जाए। एक तो शिक्षा दे, गोविंद के छोड़ करके हम कहां जाए, जब हम गोविंद के छोड़ देते हैं माया हमें पकड़ लेती है। ये तो शिक्षा है, जिस दिन हम कृष्ण से भूल जाते हैं और उसी समय माया हमें पकड़ लेती है। कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिरू, कृष्ण की भूल जाना ही व कृष्ण भजन नहीं करना ही, यही तो हमारे अनर्थ की जड़ बताई जाए, जड़ समझते रूट कॉज यार, माया हमें पकड़ लेता हम संसार में। इसलिए मानो इस प्रकार नदी मानसी गंगा जमुना आदि जल उसी प्रकार करते, गोविंद तुम्हें छोड़ करके कहाँ जाए, तुम तो हमारे जीवात्म हो, यू आर मच लाइफ एंड सोल, ये गोविंद आप तो हमारे जीवात्म हैं, लाइफ एंड सोल, आपके छोड़ करके कहाँ जाए। हे गोविंद आप अपने चरण कमल में स्थान दिए, दिनोता आ जाते उसमें प्रेम की सिम्टम क्या होता है, लक्षण क्या है, दिनोता आ जाता है, प्रबल दिनोता होकर के चित्त के इतने क्रोधीभूत कर देते हैं, द्रवीभूत कर देते हैं, इधर उछल 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 कहते हैं गोविंद कहाँ जाए, उपहार देना पड़ेगा, कुछ डोनेशन दे दो कम से कम प्रसन्न हो जाए, आज में कुछ डोनेशन दे दो तो गोविंद प्रसन्न हो जाए, इसलिए डोनेशन बक्स रखते हैं ना ठाकुर जी के पास रखते हैं, जितने मठ मंदिर है देखो वहीं पर लिखा है डोनेशन बॉक्स क्यों रखते हैं, कोई भी प्रश्न करे है, हर मंदिर में ठीक ठाकुर जी के चरण कमल के सामने ये डोनेशन सप्रीम भेंट लेकर, क्यों भेंट बाप से क्यों रखते, बोले देखो मैं अपराधी हूँ है, मेरा अपराध थोड़ा जो है पत्र पुष्पम फलम स्वयं ये डोनेशन दे देगा, गोविंद उससे प्रसन्न हो जाएगी है। आज नदिया बोले हम आपके क्या डोनेशन देंगे, डोनेशन देने में क्या, कहते कमलों को हारा, नदियों में सुंदर सुंदर कमल खिलेंगे ना, देखो कितने सुंदर भाव बनने में तैयार, हे गोविंद आपके चरण में क्या उपहार दे, उपहार के शब्द से डोनेशन इंग्लिश में कहते हैं सब प्रेम भेंट, भेंट देना है, कोई राजा दी महाराज आते हैं कोई भी आते हैं उसको हम क्या देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं है, आज एक चादर चढ़ा दी, शॉल चढ़ा दिया है, फूल चढ़ा दी है, क्या बोलते हैं वो दस्तावेज है, हाँ गुलदस्ता
देते इनके तरफ से हमारे ऊपर आपकी प्रसन्नता, सब प्रेम भेंट कर लेता है। यदि कहीं हमारे अपराध कमलोपहारा, इसलिए वो समस्त नदियां क्या करने लगी, ये नदियों में जो कमल आदि खिले हुए थे वो भ्रमण के द्वारा भ्रमण के द्वारा या वो कमल को लेकर के गोविंद चरण में पहार गिर, कैसे अपने लहरियों के द्वारा। कृष्ण तो मानो मानसी गंगा अथवा जमुना के तट पर खड़े हुए थे और वंशी वालन कर रहे नदियां जाने, मानो कृष्ण उल्टी तरफ देख रहे हमें तरफ नहीं देख रहे। तो गोविंद की प्रसन्न कर प्रसन्न प्रसन्नता करने के लिए देखो कमलों को हारा नदी जाने लगे, हम क्या देख रहे हैं, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है, ये कमल है। नदी की शोभा क्या है, सौंदर्य माधुर्य, ये कमल है। भुजई मुरारी कमल कुहारा, भुजई मुरारी है, कितना सुंदर। अपने ये भुजाएं क्या, नदी की भुजाएं क्या है, लहरियां है। आज नदी के जो बड़े बड़े जो लहरियां जो आती हैं उसके द्वारा ही कमल को उठाया और गोविंद के चरण में अर्पित कर दिया। आह गोविंद प्रसन्न हो गए। इसलिए भगवान सबसे प्रिय वस्तु क्या, फूल है, कमल है। आज इसलिए पुष्प के एक नाम क्या है, सुमन, सुमन, सुमन। भगवान में हम क्या चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाओ, फूल के एक नाम क्या है, सुंदर मन, पवित्र मन, दो अर्थ होता है। मन रूपी पुष्प के जो है गोविंद के हृदय में, गोविंद के चरण में चढ़ा दो। गोविंद कहते हैं तुम के मुझे क्या दोगे, मन मना भोग मत भक्त मत जाए मान नमस्कार। अरे अपने मन को दे दीजिए और क्या, धन संपत्ति तुम्हारे जेब में रहे हमें भी जरूरत नहीं है। कोई एक भक्त, प्राचीन भक्त भगवान के कहने लगे ये आप तो लक्ष्मीपति हो, क्या श्लोक है, बहुत सुंदर, बार बार बीच बीच में बता फिराता हूँ, रत्ना करो तब गृह गृहिणी च पद्मा, रत्ना कर आप तो रत्न की आकर मान, सब कुछ धन संपत्ति आपके पास ही है, नारायण है ना, नारायण है, उनके पास धन थोड़ी कम है। रत्ना करो तब गृह आपके गृह तो मानो अनंत कुल विश्व रत्न के द्वारा ही बने हुए, रत्ना करो तब गृह गृहिणी च पद्मा, और आपके गृहिणी कौन है, लक्ष्मी देवी, धनदात्री लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी पूजा होती है ना, देखा देखा धनदात्री लक्ष्मी देवी, सिद्धिदाता गणेश, गणेश और लक्ष्मी की इसलिए पूजा होती है, गणेश जी सिद्धि फिद्धि दे दें, तंत्र मंत्र कर देंगे, जो हमारे बाधाएं सब है विघ्न विनाश है, गणपति नमः है, मंत्र जब करते ना विघ्न विनाश गणपते नमः, समस्त विघ्न विनाश गणपति, सर्व विघ्न विनाश गणपते, और सर्वधन दात्री लक्ष्मी, इसमें लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की जो पूजा होती किस लिए होती है, विवाह के समय है, लोगों की इसी पूजा विचार है, ये हमारे कोई बाधाएं जो है, कोई टोना क्या बोले टटका फटका कोई कर दिया, पर कोई काला जादू फादू कर दिया है, आज समझे ना, लोग कर देते हैं ये काला जादू फादू आदि के तोड़ने के लिए, सिद्धिदाता गणेश की पूजा करो, सारे
तुम्हारी विकसित विघ्न जितने प्रकार बाधाएं है, होता तो नहीं कुछ, किंतु तथापि लोगों के विश्वास है। देव के पहली बार गणपति की पूजा करो, गणपति सर्व विघ्न है। व्यास देवी किसी किसी ग्रंथ में पहले गणपति के भी स्तुति करते, चलो लोक परंपरा में उसी प्रकार दिखते दिखा, इसलिए लोग भी करते क्या, गणपति गणपति गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर सारी बाधाएं चले, फिर क्या चाहिए, धन चाहिए, जैसे सर्व धनदात्री लक्ष्मी जी की पूजा, धनदात्री दिखते हैं, धनदात्री विशेषकर दीपावली पर है, दिवाली पर और दुकान में बस दो फोटो आपको दिखाई पड़ेगा, क्या क्या, लक्ष्मी और गणेश। दुकानदार तो कहीं हमारी दुकान में कोई जादू टोना करके रखे हैं, खरीदवार आते हैं काला जादू वादू कर दिए हैं, तो वो भी लगा देते हैं मिर्च ऐसे करके, और नींबू है ना, देखा ही ना, आप देखोगे हैं उस समय कितने भी बेचता रहता है, करते हैं नहीं करते हैं, नींबू और मिर्च उस दिन बहुत बिकता रहता है, आप खरीदते कि नहीं, शनिवार को फूल वाले दे जाए, चलो आगे की कथा, ये तो लोग कर्मकांड में ही है, कर्मकांड में ऐसे लोग करते रहते हैं, भक्ति कांड में तो नहीं है, बोले भगवान के नाम करने से सारे विघ्न नाश, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति कांड में लोगों के इतने विश्वास है, नाम करने से सारे विघ्न नाश हो जाते, ये विश्वास नहीं है, कर्म कांड में ज्यादा विश्वास है, कोई मिर्च खरीद करके ले आएंगे और नींबू धगा की तरह बंद करके बस दुकान पर से लटका के रखे, छोटा जान क्या बोलते हैं, नाम करो भगवान के नाम करने सब कुछ बाधा निश्चित है, नाम में विश्वास है, भगवान नाम में विश्वास है, नींबू में विश्वास, नींबू और मिर्च में पता नहीं कहां तक सत्ता है, क्या कर और दुकान में उस दिन देखना, और दुकान में सब नींबू और मिर्च, आठ दस मिर्च ऐसे सेक सके हैं, सुई से धगा से ऐसे करके नींबू अंदर साथ में हैं, कितना सात क्या मिर्च, एक नींबू, सात की आठ में लोगों की इसी प्रकार जो है सुपरस्टिशन संस्कार है, कुछ संस्कार पड़ा हुआ है। चलो हम जिस कथा हम कभी जा रहे हैं, ये गोविंद की हम उसके कहते हैं, ये नब्दस्तता तदुपथा जो मुकुंद गीतम, बोले मुकुंद के बेरुद्धनी सुन करके ब्रज की जितने नदियां आदि उसके जल कैसे हो जाता, स्थिर हो जाते, आगे नहीं चलते, और गोविंद के चरण प्राप्ति करने के लिए नदियां क्या करती है, भंवर के द्वारा, भंवर के द्वारा पुष्प को उठाती, कमल को उठाती, और उठा करके उर्मी भुजई भुजई मुरारे, अपने अपने लंबी लंबी भुजाओं के तरह, माने उर्मी माने लहरियों के तरह, नदी के भुजाएं के हाथ क्या है, लहर, वो लहर को उठा, लहर उठाया और अंजलि दे, पुष्पांजलि गोविंद को चले, गोविंद प्रसन्न हो जाए,
और अपने आप फिर जब नीचे की तरफ आ यहाँ तक नहीं बोले देखो वृंदावन की झूल प्राप्ति करने के लिए उसमें से नदियां भी कैसे तरफ गिरा, इसलिए हवा के द्वारा वायु के द्वारा गोविंद की रज जमुना में देश गंगा आदि में नदी में गोविंद की तरफ की प्राप्ति, इसलिए मैंने ये कहा था जे केवल तंग दे कलपादन में तो बेन गो बीजा ध्रुमा हिरण्य पुलकर्ण भी ब्राह्मण, केवल स्त्रियां गोविंद की रूप माधुरी आदि देखकर के आकर्षित हो जाते, ऐसी बात नहीं। गो दीजा ध्रुमा हिरण्य पुलकर्ण भी ब्राह्मण, गो माने गाय पशु जाति, गोविंद की सुंदर रूप दर्शन करके और वंशीधरी सुन करके कैसे स्थिर हो जाते, स्तब्धीभूत हो जाते, स्टांड कंप्लीटली स्टांड स्थिर हो जाते, कान को ऐसे खड़ा करते है गोविंद के बेनुध धन, और गोविंद के बेनुध धन से जो अमृत निकलता है कान की दोने के द्वारा, दोना है ना उसके, मानो अमृत को आस्वादन कर पान कर, कान को खड़ा खड़ा कर दे, नीचे हो जाए अमृत गिर जाए, इसलिए कान को ऐसे और आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होती है। गो दीय द्रुमा, गो दीय, दीय माने पक्षी आदमी, प्रायो वतांब व्योगा वृंदावन में अस्मिन, वृंदावन में सब पक्षी कोई साधारण पक्षी थोड़ी है, बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा पक्षी पक्षी के रूप धारण करके विराजमान होते हैं, साधारण कोई पक्षी नहीं। व्यास पराशर आदि बड़े बड़े सिद्ध महात्मा गोविंद दर्शन की लालसा से पक्षी रूप धारण करके पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं और गोविंद दर्शन ऊंचे स्थान पर बैठे सब अनेक दूर तो दिखाई पड़ जाते हैं, पूरा शहर को देखने के लिए ऊपर चल, ऊपर चल जाओ अट्टालिका पर, अट्टालिका में क्या बोलते हैं टेरेस पर चल जाए, पूरा शहर को दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार वृंदावन के उसमें पक्षी आदि जो है मयूर मयूरी से लेकर के कितने पक्षी जो है गोविंद दर्शन के लालसा से वहीं पर बैठ जाते हैं। तो ये पक्षी कौन कौन है, मेरे साक्षात संत महात्मा व्यास पराशर आदि ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा गोविंद दर्शन के लालसा से पेड़ पर पक्षी के रूप धारण करके बैठते रहते गोविंद दर्शन और गोविंद जहां जहां पर चलते पक्षी उड़ उड़ कर माने उड़ करके चले जाते, गोविंद बेनुध्वनि करते हैं तो वो भी ताल से ताल लगा करके पंचम सर में करते हैं, वो भी पंचम सर में सुर मिला कर करते, जब गोविंद सप्तम सुर छोड़ देते हैं तब क्या होता है, तब स्तब्धीभूत हो जाते हैं, आहा कितने सुंदर है। एक्चुअल पांच स्वर तो मैं ही कहा है, सा रे गा मा पा गा नी सा ता नी गा मा पा गा रे, चलो इसमें तो बहुत विचार है। उदात्त अनुदात्त शरीर आदि सर्व के द्वारा कैसे संपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर कमते जा रहे हैं गोविंद आपके ऐसे सुंदर रूप है क्या वर्णन करें, इसलिए यहाँ पर जो कृष्ण है बल्लभ कहाँ भी है राधा सब पीड़ा रस वृद्धि कारण अर्थात सब गोपीगण प्रसुप करण कृष्ण है बल्लभ राधा कृष्ण प्राण धन कहाँ भी नु सुहेतु नहे गोपीगण, कृष्णेर बल्लभ राधा कृष्ण प्राणधन, कृष्ण बल्लभा
श्रीमती राधिका और कृष्ण के जो है अत्यंत प्रिया भी है। जिस प्रकार कृष्ण राधा जी प्रिय है उसी प्रकार राधा जी कृष्ण जी प्रिया। और वही राधा बिना कृष्ण के सुख नहीं है, ताहा भी सुख है तो नहीं कर गोपियों के वही काम है। ये राधा कृष्ण की कैसे मिलन हो, विरह के बाद मिलन, मिलन के बाद विरह आदि सब दिखाते हैं। अनेक प्रकार के राधा पक्ष गोपी होता है और एक कृष्ण पक्ष गोपी होता है और एक होता है तटस्थ पक्षी गोपी होता है। सपक्ष विपक्ष तटपक्ष सुहित पक्ष सपक्ष राधा आदि गोपी सपक्ष कहा जाता है, विपक्ष चंद्रावली आदि के कहा जाता है। कुछ गोपियां तटस्थ होते हैं न इधर गए न उधर गए, तटस्थ आदि गोपी, और कुछ होता है उभय पक्ष दोनों के प्रति स्थिति रहते, कुछ होता है सुहित पक्ष मित्र पक्ष होते। तो ये समस्त भी विचार सुंदर रूप में दिखाया है। विरोधी नहीं रहे तो प्रेम की माधुर्यता प्रकाश नहीं होता, राइवल पार्टी होना चाहिए ना, प्रतियोगिता होते है। दोनों दल में प्रतियोगिता, फुटबॉल व क्रिकेट खेलते हैं, खिलवाड़ जो है दोनों स्ट्रांग हो लोग देखने में आनंद होता है, और एक पार्टी बहुत बलवान है दूसरी पार्टी क्विक है तो अनेक गोल देकर ही चलती है, उसमें विशेष 8-10 गोल दे रहा है, बराबर जब होता है देखते हैं कौन के। तो उसी प्रकार जो मैंने चंद्रावली आदि के पक्ष के जो है विपक्ष के रूप में रख दिया है, राधा पाटी राधा जी के कहा जाता है, सपक्ष को भी कहा जाता है राधा जी के, और विपक्ष राइवल पार्टी एगेंस्ट पार्टी चंद्रावली है। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण की मिलन विरह विरह मिलन ये पर भी चलता है। प्रेम राज्य उसी प्रकार ही है। एक समय कृष्ण गोचारण कर रहे थे सखाओं के साथ राधा कुंड की आसपास कुछ स्थान पर चल, तो कृष्ण की देख करके राधा जी ने किया कि सुंदर एक माला प्रस्तुत, अपने हाथ से एक माला प्रस्तुत किया बहुत सुंदर राधा के हाथ, और रूपमंजरी के द्वारा बोले जाओ इसको कृष्ण के कैसे भेंट दिया जाए, किंतु कैसे भेंट देंगे। इसलिए कृष्ण जो सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे वो माला को सुंदर एक पत्ता में बांध दिया देख करके, और कृष्ण को ऐसे दिखाया देख करके एक पेड़ के डाल को रख दिया। तो कहना है रुकमन जी ये कहना चाहती है ये गोविंद देखो ये राधा जी की ग्रथित जो है माला है, तुम इसकी पहन ले लो। अच्छा रुकमंजी चलिए, एक्चुअल कृष्ण को देखा ही नहीं है, जैसे मैं आपके तरफ देख रहा हूँ क्योंकि वास्तव में ही देख रहे हैं और कुछ और कुछ, किंतु आप सोच रहे हैं जी मारे मेरी तरफ देख रहे हैं क्योंकि कभी होता ही नहीं है, दृष्टि उस तरफ नहीं है, आँख चले जाए किंतु दर्शन नहीं होता है। यदि किसी वस्तु में चिंतन रहते केवल आँखें द्वारा थोड़ी दर्शन होता है, आँख और दृष्टि शक्ति और मन जब एकत्रित होते हैं तब दर्शन होता है, केवल दृष्टि माने दृष्टि शक्ति के द्वारा आंखों के द्वारा आप देख नहीं सकते हैं यदि मन उसमें संयोजित न हो, मन उसमें एडिट न हो। तो रुक्मिणी तो दिखाया कृष्ण के
एक्चुअली कृष्ण सखाओं के साथ कोई वार्तालाप कर दे। रूपमंजी ने सोचा, कृष्ण ने देख लिया और इंगित के द्वारा कह दिया जे इस माला को तुम पहन ले। एक्चुअली कृष्ण तो जी कह, इतने समय ये कौआ सोचने लगे इसके अंदर में कुछ खाने की वस्तु है, और लेकर के चोंच में पकड़ करके उड़ कर चले गए। और चलते चलते बहुत दूर चले गए, कहाँ, जहाँ पर चंद्रावली अपने सखियों के साथ बैठी थी। और बाई चांस की बात है, वो माला कहाँ जग रही गिरी, चंद्रावली की सभा में जा रही है। चंद्रावली के सखी पद्मा ने किया कि वो माला ले गया, देखा तो उस माला बहुत सुंदर, ऐसे माला और ऐसे सुगंध और ऐसे कारुकर्ज की तरह माला जो है तैयार हुआ आठ के साथ। राधा जी माला बुनते हैं, आप नहीं सोच नहीं सकते वो माला कैसे सुंदर करके, कैसे फूलों के द्वारा, जैसे मानो फूलों की तरफ क्या क्या लिखा, कृष्ण 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 रखा, सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूलों के द्वारा क्या लिखा गया, कृष्ण 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 लिखा, माला फूलों के द्वारा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चंद्रावली बोली, ये कौन गलत बुद्ध, आज हम लोग की तो जितने सुखी हम तो भी कभी ऐसे बुद्ध नहीं सकते। चलो ये प्रभु ने आज मानो जो मैंने हमें गोविंद की प्रसाद मानो मुझे प्राप्त किया, कृष्ण नाम, कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है ना, इसलिए चंद्रावली सोचने लगी आज मानो गोविंद की प्रसाद मुझे प्राप्ति, इतने सुगंध आ रहे हैं। और पद्मा ने, पद्मा देवी चंद्रावली किसी की, पद्मा देवी ने किया कि उस माला को चंद्रावली के पहना दी, चंद्रावली बहुत सौभाग्य को मत में आज गोविंद के प्रसाद है, एक तो कृष्ण कृष्ण नाम लिखे हुए, अरे इतने सुंदर है, बस अपने गला में पहन लिया और थोड़ा कुछ जुड़ा में कुछ लगा दी है, सौभाग्य मत गर्वित होकर के चल है। ये कहना चंद्रावली के मन में, जा मैं राधा जी के मैं दिखाओ दूर से, ये देखो तुम अपने को सौभाग्य बहुत मानते हो, कृष्ण तुम्हारे विषय होता है, देखो आज कृष्ण मुझे अपने प्रसादी माला दिया। ये चंद्रावली इसी प्रकार सौभाग्य को मन से गर्वित होकर के जहां पर राधा जी अपने सखियों के साथ बैठी बात कर रही थी, और मानो उसी से थोड़ी सी दूर होते हुए अच्छा माला को दुलाते हुलाते हुए हाथ को ऐसे नचते हुए माने राधा जी को क्या करने लगे, चिढ़ाने लगे, मतलब किसी को चिढ़ाना है ना तो ऐसे दिखाओ, एक डायरेक्टर में देखो तुम राधा जी, तुम कृष्ण के अत्यंत प्यारे हो, क्योंकि देखो आज राधा जी की कृष्ण की ऐसे सुंदर माला मुझे प्राप्त है। राधा जी देख ली, बस राधा जी के मान हो गए, बोले कृष्ण कैसे दूर तो है, मैं कृष्ण के लिए कृष्ण वो प्रसाद ही मालूम, चंद्रावली को दे दिया, हाय 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 राधा जी मान लो, राधा जी मानवती को स्थान छोड़ चले। एक दो दिन राधा जी कृष्ण से नहीं मिले, कृष्ण सखी बिंदा देवी के चले, बिंदा बिंदा देवी कृष्ण पक्ष से गोपी है ना, मनाने के लिए बहुत बिंदा देवी, राधा जी कोई मानी बिंदा देवी के काज काम क्या, कृष्ण के समाचार लेकर के राधा जी के निकट देना है, और राधा जी के समाचार कृष्ण को देना, ये द्वितीय की काम द्वितीय नस्ता है, सखियों के सब सखियों की यही असल मेन कार्य है, द्वितीय के काम करना, द्वितीय मैसेंजर मधुर मधुर निशायन द्वितीय नस्ता हस्ता है, मधुर मधुर निशायन
কর্পূর ভূষা দু তিন হস্তা इनके काम ही इसी में जिसमें सखी होती है। मेन काम है दूति के काम करना, मैसेंजर के काम करना, एक दूसरे के साथ मिलाना, मान आदि हो जाए उसको प्रशमित करना है। द्विपक्षिक काम होता है, एक उनके पर चिढ़ाना, जासू की काम करना, जासू स्पाई, जासू बोलते हैं ना, स्पाई की काम करना है। इधर से आके इधर की कथा को उधार कर देना, उधार की कथा इधर कर देना। कुछ लोगों की स्वभाव होता है ना, है तुम्हारे कथा को उसके बोल देना, उसकी कथा को उधार बोल देना, और बीच में झगड़ा लगे बस वृंदावन व्याधि लाल। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनसे कोई लेन देन नहीं है, इधर के बाद उधर के, और अपने मनमनी से लगा देते, मिली से लगा देते हैं, लड़ाई उसके लड़ाई देखने में आनंद होता है। भजन साधन कुछ नहीं है, एक दूसरे के लड़ाई करा देना है, बस उसमें ही आनंद ले। तो देखो राधा जी, अब देखा मेरे तरह गोदी को जो आज सुंदर फूल की माला है, आज चंद्रावली की गले में चंद्रावली की चूड़ा पर जुड़ा पर है, है? राधा जी मान कर दो तीन दिन वृंदावन जी के भेजा गया, वृंदावन जी देखो है कृष्ण बोले वृंदावन तुम देखो राधा जी क्यों है, क्या बात है, बहुत कुछ मान गया किंतु राधा जी नहीं मान। राधा जी इतने दुर्जय मान कर लिया, ये मैंने इतने सुंदर परिश्रम करके, कितने घंटे परिश्रम करके ऐसे सुंदर माला प्रस्तुत की, और उस माला ने तुमने देखी चंद्रावली। अरे दूसरे के गोपी के लिए तो भी बात नहीं, ललिता के देते और भी गोपी के लिए चंद्रावली जो मेरा मेरी सदा सर्वदा विरोध का है। चलो वृंदावन भी बहुत कुछ समझाया राधा जी को, बोले नहीं कृष्ण अच्छा किसी तरह से तो मिलो, हमारे मन की भावना गोविंद से बोलो, गोविंद सच बताए। अच्छा चलो, इसके पश्चात किसी प्रकार से राधा जी कृष्ण से मिले। कृष्ण दीनहीन होकर के बोले राधे वास्तव ये मेरा दोष है, बोले नहीं कैसे दोष, मैं ये रूपन जी के द्वारा ये माला घुट करके माला घुट कर रूपन के द्वारा देखा, रूपन जी को दिखाया। कृष्ण बोले देखो उस समय मैंने नहीं देखा, केवल मैंने कहा केवल आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं, जब हमारे आंख मन के साथ में असल में मैंने देखा ही नहीं, तुम रूपन जी ने कहाँ माला रखा नहीं रखो नहीं देखा है, पता चला है। जो माला कौए लेकर के चले गए और चंद्रावली की सभा में, तो इसी प्रकार सारे तत्व जो उद्घाटित हुआ प्रकाशित, तब जाकर के राधा जी के मान प्रशमित हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण वल्लभ राधा कृष्ण प्रमधान कहाँ भी नुस्तुगे तू नहे गोपीगण। कंसार भी संसार वासन बद्ध श्रृंखला राधा माधव हृदय तत्त्वज ब्रज सुंदरी। गीत गोविंद में भी वर्णन होते जा रहे कंसारी कृष्ण संपूर्ण सारु राष्ट्र लाने वासनाबद्ध राधा के हृदय में लेकर के ही आगे चले, समस्त ब्रज देवियों की त्याग दी कर, यानी राधा के प्रति इतने प्रबल अनुराग रास चल रही थी, सुंदर रास चल रही है। गोविंद की सबसे प्रियतम आनंद धाम, आनंद रस प्रेम रस चलते जा रहे हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरे बन गए रे सखी, कितने सुंदर चलते जा रहे हैं। और इतने समय
राधे के मान, राधा जी मान करके राज करके चले, हजारों सैकड़ों गोपियां राधा जी मान करके चली गई। राधे को मान मनाने के लिए स्वयं कृष्ण सैकड़ों गोपी के सम्मुख में राधे की पीछे पीछे गई, सैकड़ों गोपियां तो ये दिखाते हैं राधा जी के प्रति कृष्ण कृष्ण प्रेम कितना प्रगाढ़। गोपी को त्याग दे करके कृष्ण राधा जी को मान मनाने के लिए जिससे राज रूपी महाउत्सव क्या हो गया, स्थगित हो गया, बंद हो गया। प्रेम के ही दिखाते जैसे जगदीप गोस्वामी पाद गीत गोविंद में इस श्लोक कंसार की संसार वासना बद्ध श्रृंखला राधा माधव हृदय तत्व जब ब्रज सुंदर समस्त ब्रज सुंदरियों के त्याग दे करके गोविंद राधा को मान मनाने के लिए चले। सही राधा भाव लिया चैतन्य अवतार जुगद मणाम प्रेम कैल परचार सही भावे निज वांछा कैल पूरण अवतारे वांछा मूल कारण। ये कृष्ण गौर गौर अवतार होकर के क्यों प्रकट हुए ये मूल कारण दिखा रहे हैं। ये राधे के हृदय में कौन सा ऐसे प्रेम है जिस प्रेम के द्वारा कृष्ण के हृदय सर्वतो रूपेण वशीभूत कर ले, जिससे कृष्ण सब गोपियों के त्याग दे करके विपक्षों में छोड़ दिए, सपक्ष भी गोपियों के त्याग दे करके ललिता विषाद विशाखा आदि समस्त गोपियों के त्याग दे करके ही राधा जी की मान मनाने के लिए जा रहे हैं। सही राधा जी के हृदय में कौन सा प्रेम है जो मुझे इतना आकर्षित कर देगा। कृष्ण कहने लगे मेरे प्रति सब आकर्षित हो गए। मैंने कहा कृष्ण नाम से तात्पर्य तो यही है कृष्ण भूवाचक शब्द को आकर्षक नश्च निवृत्ति वाचक प्रेमादन भवती कृष्ण 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 धातु आकर्षण सभी जीव समस्त प्रकार के सब आकर्षित हो जाते हैं। रूपमाधुर्य प्रेमाधुर्य गुणमाधुर्य लीला माधुर्य के द्वारा सब कृष्ण प्रति आकर्षित होता है। किंतु राधा के हृदय में ऐसे कौन सा प्रेम है जैसे कृष्ण के भी आकर्षित करके ले जाते हैं। श्रेष्ठ कौन है कृष्ण और राधा जी राधा जी राधा जी प्रेम इतने गरिष्ठ है, गरिष्ठ समझते हो श्रेष्ठ है। आज ये राधा प्रेम इतने गरिष्ठ है श्रेष्ठ है ये कृष्ण भी राधा की समस्त त्याग दिए दिखा दिया। कृष्ण ही सोच रहे सही राधा प्रेम सही राधा सही राधा भाव रहे चैतन्य अवतार जुगधर नाम प्रेम कोई अवचार। इसलिए कृष्ण विचार करने की वह राधा का भाव मुझे देना चाहिए प्राप्त करना चाहिए। इसलिए राधा भाव और कांति लेकर के चैतन्य अवतार चैतन्य अवतार यही तो मूल कारण श्री राधा प्रणय महिमा कृति से बांध लिया। राधा के हृदय में कौन सा ऐसे प्रेम है प्रबल प्रेम कृष्ण यही तो सोच रहे हैं मुझे आकर्षित करके लिया। मैं आपका राम अब तक काम होते हुए पर भी ये सब वृद्ध धर्म के सब चला गया और उसे कहते हैं सही राधा प्रेम लो यहाँ चैतन्य अवतार युग धर्म नाम प्रेम कैल परचार। युग धर्म है नाम प्रेम प्रचार है युग धर्म नाम और प्रेम प्रचार युग अवतार की भी काम है हर युग में हर युग अवतार आते उनके भी काम है प्रेम प्रचार करना नाम प्रेम प्रचार करना। किंतु महाप्रभु के छोड़ करके बाद कृष्ण के छोड़ करके जितने भी
अवतार आते हैं, युगावतार है, वो कौन सा प्रेम प्रचार करते हैं, कौन सा प्रेम प्रदान करते हैं, कुछ कुछ प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु के छोड़ करके जितने भी अवतार आते हैं है? वो वैकुंठ प्रेम देते हैं, इसके आगे नहीं है। गोलोक वृंदावन की प्रेम ये तो महाप्रभु छोड़कर कोई नहीं देगा, हमारे बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य दीते, स्पष्टीकरण कर दिया। लोग जो भजन कर रहे हैं जब तक चैतन्य महाप्रभु का अनुगत स्वीकार नहीं करे, भले ही कुछ करे, जितने भी नित्य गीत कर ले, ब्रज के जितने भी कीर्तन करते जा रहे, नहीं होगा। गौड़ीय सिद्धांत बहुत गहरा है, कहते हो इतने लोग राधा कृष्ण के भजन करते हैं है? मीराबाई और क्या क्या रसकाम से लेकर से बोलते रहे। इस कलयुग में जब तक चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय नहीं करे, अनुगत स्वीकार नहीं करे, वो ब्रज प्रेम नहीं हो सकता। हमारा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य दीते, महाप्रभु से कहा। इसलिए गौरांगों की, गौरांग महाप्रभु की एक विशेष महावदनता दिखा गया। इतने सब इस कलयुग में, दूसरे युग को छोड़ दिया, हम नहीं ले रहे। इस कलयुग में एकमात्र गौरांग चैतन्य महाप्रभु छोड़ करके कोई प्रेम नहीं दे सकता, मैंने कौन सा प्रेम, ब्रज प्रेम है। चलो महाप्रभु के छोड़ करके और कोई अवतार के उपासना कर, आधा कृष्ण उपासना कर आएगा, उसको ब्रज प्रेम नहीं होगा। जितने भी कुछ भी बोलते रहे, हमारे कृष्णदास के विराज गोस्वामी कस्तूरी मंदिर संग देख रहे महापुरुष है, आमा प्रेम आमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य दी सकते, केवल जिसके कलयुग में नहीं ब्रज प्रेम दे सकता। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा तो ये तो गोलोक तो भी प्राप्ति हो जाए, किंतु वृंदावन की जो माधुर्य कर्ण कुरनिकारम वो गोलोक वृंदावन की जो कमल स्तंभ जो कर्णिका जो है वह प्रेम जो है प्राप्त करना है तो महाप्रभु के चरण में आश्रय लेना पड़ेगा। हजार लोग कहेंगे नहीं ये तो ब्रजवासी है, देखो राधा कृष्ण की कीर्तन कर रहे हैं है, कुछ भी बोलते रहे है। वे महाप्रभु की अनुगत जथा जथा गौर पदार बिंदी बिंदिर हुआ कृतपुण्य पुंज तथा तथा सपने हृदय अकस्मान राधा पदाम्बुज सुधाम्बुदास गौरसुंदर के चरण में समर्पित हो जाए, और गौरसुंदर की कृपा से वह अपराजित दिव्य ब्रज प्रेम प्राप्त करना संभव है। इसमें जितने भी लोग प्रवचन देते हैं मायावादी से लेकर के और जितने संप्रदाय के लोग कथा बोले, सब महाप्रभु की विचारधारा के ऊपर लेकर के बोलना पड़ता है। लोगों के यदि आकर्षित करना है, प्रेम राज्य में लोगों की जो आकर्षित करना है, तो चैतन्य महाप्रभु की अनुजाई लोगों की आश्रय लेना पड़ेगा। रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी है, लोग हंसी मजाक करते ये तो बंगाली के ठाकुर है, मच्छी खाने वाले बंगाली लोग पूजा करके करते हैं, चलो हम तो ब्रजवासी हैं और पूरा प्याज और लहसुन खा करके करते हैं है? घर में जाओ सब बाहर क्या बोले लहसुन और प्याज के छिलका मिलता है, और जो खाता है कहाँ तो पता ही नहीं है। ऐसा भगवान थोड़ी मिल जाएगा प्याज लहसुन खाने वाले को, ना मच्छी खाने के को मिलेगा ना प्याज लहसुन खाने वाले को मिल जाएगा है। प्याज लहसुन तो और भी गंदी है, मुंह में जो प्याज लहसुन खाते ना उसके पास बैठ दो गंदा आता है कि नहीं आता है, भगवान उसके ग्रहण करेंगे? मैं तो डायरेक्ट बोल देता हूँ है, पहले मुख के साफ कर गंदी दुर्गंध है, नाली साफ करो गंदी के साफ करो, दूसरे के गाली तो गाली के अपने तो साफ करो है, अपने प्याज लहसुन आदि खाते रहते और दूसरे के गाली देना शुरू कर दिए, कोई थोड़ी होता है।
समझ जा रहे ठीक बात, एक दूसरे के दोष देखने के लिए बस आरोप लगा देते और अपना आते सोचते मैं बिल्कुल गंगा जल में धोए हुए तुलसी पत्ता, गंगा जल में धोए हुए तुलसी पत्ता मैं पवित्र हूँ और सब ऐसे। फिर तो हमारे शास्त्रकार क्या बोले, सचिनंदन गौर हर के जब आश्रय नहीं करेंगे वो ब्रज प्रेम प्राप्ति होना संभव नहीं, कुछ भी करते रहे और अपने के ब्रजवासी कहें वो डर। अरे ब्रजवासी किसी कहते तो सुनो, ब्रजवासी के लक्षण क्या है, इसके सारिस के राग को परम अच्युत भर तन्मय तो बहुत दूसरा रागस्मिका कविता वही ब्रजवासी जिनकी आत्मा में स्वाभाविक रूप में कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति इष्टे सर परम अभिष्ट है, दो लक्षण उसमें अपने इष्ट वस्तु में प्रति निष्ठा और संसार उसमें अभिष्ट होकर जाते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध ब्रजवासी रूप सनातन और रूप सनातन के अनुगत में निष्कपट रूप में जो भजन करते हैं वही ब्रजवासी। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अनुभाष्य में लिख रहे ये ब्रजवासी कौन है, बोले रूप सनातन रूप भूषण सनातन ये सब रूप रघुनाथ, रूप रघुनाथ पदे रूम राज प्रार्थना करे सदा नर्तमदा रूप भूषण सनातन ये सब ब्रजवासी ब्रजी भाव उसमें गुरुदेव विदेश से प्रचार करके आ गया 96 में बाहर, तीन महीने गुरुदेव दो महीने गुरुदेव चले गए तो कुछ यहाँ पर लोग कहने गुरुदेव आप इतने दिन तो हमको भी छोड़ करके चले गए, आहा गुरुदेव ने बोला अच्छा देखो हमें तुम लोग क्या छोड़ा, तुम्हारे घर में अभी गणेश जी है कि नहीं है, शिव जी है कि नहीं है, दुर्गा जी है कि नहीं है और कृष्ण भी है, सब एक साथ में रख दिए ब्रजवासी कहते गुरुदेव आप ब्रजवासी की छोड़ करके चले, अरे ब्रजवासी कौन है किसको छोड़ करेंगे, गुरुदेव कब नहीं है ब्रजवासी के लक्षण क्या होता है, गोविंद छोड़कर कुछ नहीं, गोविंद छोड़कर के कुछ नहीं, मैं जाता जो भाई जाता जो कही जाते जो गोविंद 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 के मन में प्रगाढ़ इष्टे सारिष्ट राग और परम अविष्ट गुरुदेव ने कहा देखो इतना देर गुरुदेव ने कहा मैं 50 साल मुद्र में तुम के प्रचार किया आज तो एक व्यक्ति को भी ये गणेश जी और दुर्गा जी तुम्हारे चुरा नहीं पाए, सबके घर में जाओ तो ब्रजवासी से कहा जाता है शुद्ध ब्रजवासी जो एकांतिक रूप में एकमात्र कृष्ण भजन है, एकांतिक वन पॉइंटेड विद कृष्ण और उसमें अभिष्ट है तब तो ब्रजवासी इसलिए कहते हैं इस्लाम रूप को सही पाद दे रहे ये शुद्ध ब्रजवासी के लक्षण क्या है, अपने ब्रज में तो सभी रहता है जो ब्रज में रहते उसके ब्रजवासी कहा जाता है, हम ब्रजवासी ब्रज में जो वास करते उसके ब्रजवासी का कुत्ते सियार सुअर कुकर मुकर सब तो ब्रजवासी, ब्रज में वास कर रहे ना ब्रजवासी, कौन नहीं ब्रजवासी बताओ है, फिर चले जाते दिल्ली चले जाते दिल्ली वासी हो जाते है और कहीं चले जाते हो घर छोड़ के मैंने वहीं पर क्या बोले दुकान मकान बना ले तो फिर ब्रजवासी अपने के बोलते हो, एक ब्रजवासी है बताओ है, सब बाहर बाहर से सब आपके यहाँ पर रहने लगे और अपने ब्रजवासी करके आप बताओ अपने पूर्वजों के लेकर क्या कहाँ से आए, कोई बुलंदशहर से कोई बिहार से उधार से आकर के यहाँ पर बैठ गए हैं और अपने को कहने लगे मैं ब्रजवासी, कुछ तो है ऐसे नहीं कहते जी नहीं है, किंतु 80 और 90% जो है
90% जो है ये सब बाहर के आकर यहाँ पर बैठ गए, दुकान खरीद ली, जमीन खरीद लिया और तीन चार पुरुष रहने लगे जो अपने की कहते मैं ब्रजवास है। उनको पूछो सारे दस्तावेज उनके लेकर के आओ, और तुम कहाँ से आए, तुम्हारे पूर्वज जो कहाँ से आए, कृष्ण के जो पूर्वज जो है वो तो लुप्त ही हो गए सब। तब सब दूर दूर देश से, और दूसरी बात है कंस के इतने अत्याचार होने लगे सब लोग छोड़कर के चले गए, मथुरा वृंदावन से सब छोड़कर लोग चले गए। कंस और असुरों की ऐसे जब अत्याचार होने लगे सब उस समय जो ब्रजवासी ब्रज में रहने चले गए, उजाड़ हो गया ब्रज संपूर्ण रूप से उजाड़ हुई, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। तो कहाँ कहाँ चले गए है कि नहीं, आप अपने दस्तावेज है कि नहीं, दलील पत्र है उसमें लिखा है सब है, कौन सा सन में कहाँ खरीदा, कहाँ से आया था सब लिखा है, तीन चार पुरुष के सब लिखा हुआ है, पिता पितामह प्रपितामह है उसमें लिखा है सब, दस्तावेज सब मिल जाएगा है। कोई बुलंदर शहर से आया, कोई दूसरे स्थान से आया, इधर उधर से आकर के नहीं पड़ा है। श्री ब्रजवासी का जो आप कहते कि हम उसको भी सम्मान करते हैं जो ब्रज में रहते हैं, सभी ब्रजवासी कौन ब्रजवासी है, जो कहते हिंदी हिंदी भाषा जो जाने वाले वो ब्रजवासी, आज हिंदी जो जानते हैं वो मुर्दावासी है, आज जो हिंदी भाषा जानते हैं वो ब्रजवासी, और जो हिंदी भाषा नहीं जानते हैं मुर्दावासी, मुर्दा बजे थोड़ी होता है। ब्रज की भावना जिसमें कहीं भी हो, ब्रज की भावना इसलिए मतलब कहते रूप सनातन ये निवास इनके हुआ थे बंगाल में जन्म, चलो लौकिक लीला में देखा, भौतिक रीति में देखे रूप सनातन जो है बंगाल है, कान कुछ ब्राह्मण है, फिर ब्रज में भावना कहीं भी आप रहे, इंग्लैंड में रहे अमेरिका में रहे, ब्रज की भावना यदि हो आप वो ब्रजवासी कहा जाएगा, और भावना नहीं हो तो कैसे है? जो गाय काटने वाले गाय मांस खाने वाले वो भी तो कहते हैं हम ब्रजवासी, ब्रज में रहते बस करते हैं, वो भी तो कह रहे मैं ब्रज में बास करता हूँ मैं भी ब्रजवासी कृष्ण के जो नित्य परिकर उनकी कैसे अपने इष्ट गोविंद में सदा सर्वदा जुड़े रहे, गोविंद छोड़कर पीछे नहीं चलना, इष्टे साधु परम आविष्ट होकर आविष्ट आवेश में इष्टे सभी परम तरण तो भवित विश्वा रागत विका को रागत गोविंद के नित्य परिकर कहते शुद्ध विवाह। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद इसके ऊपर सुंदर विचार दिया, रूप सनातन ही शुद्ध ब्रजवास, और इस रूप सनातन के अनुगत्य में जो भजन करते जा रहे हैं वो रागान भजन वो भी ब्रजवास है, इसलिए कहते रूप सनातन के अनुगत्य में भजन ब्रज भावना होता है। देखो कितने सुंदर सुंदर विचार, इसलिए कहते सही कृथा भाव लिया चैतन्य अवतार युग धरो नाम प्रेम कईल परचार, सही भावे निज वंचा करिल पुराण अवतारे विवंचा मूल कारण, चैतन्य गोसाई ब्रजेन्द्र कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात सिंह, सही रस सत्सरिते कहिल अवतार अनुसंगे कहिल सब रसिल प्रचार, संग कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आए और राधा प्रभु आस्वादन करने के और आनुषंगिक रूप में ओकेजनली नाम प्रेम प्रचार आदि कर दिया, बल वृंदावन आदि लाल जय जय श्री राम, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं है। अरे 7 बजे जा रहे वृंदावन, चलो मैं सोचा 6 बजे चला जाता हूँ।
वृंदावन थोड़े घूम कर आता हूँ है, 10 बजे तक आ जाएंगे वृंदावन दोपहर के प्रसाद में। आपको जाना है 10-11 तक आ जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय। अच्छा है कि नहीं, तुम ब्रजवासी हो, रज की भावना रखो तो ब्रजवासी बनो।